उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग फैलती ही जा रही है। आग से कई हेक्टेयर जंगल तबाह हो गए हैं। आग की तपिश हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों तक पहुंच रही है, जिससे ग्लेशियरों की सेहत पर खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जंगलों के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। साथ ही आग से निकलने वाली राख और सूक्ष्म कण ग्लेशियरों पर चिपक कर सीधे तौर पर भी बर्फ पिघलने की गति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो बेहद खराब हालात होने वाले हैं, जिनसे इंसान ही नहीं बल्कि ग्लेशियर भी खतरे में आ गए हैं। हिमालय की इकोलॉजी पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर डोमभाल का कहना है कि जिस तरह उत्तराखंड के जंगल चौतरफा आग से धधक रहे हैं, उससे पूरे क्षेत्र का वातावरण गर्म हो रहा है, जो ग्लेशियरों के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर डोमभाल यह भी कहते हैं कि आग लगने की वजह से उड़ने वाली राख ऊपर उड़कर ग्लेशियरों पर जमा हो रही है और इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। डॉक्टर डोमभाल कहते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ने से हिमालय में एवलांश आने का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि जंगलों की आग से ग्लेशियरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आग के धुएं और राख के कणों में ब्लैक कार्बन होता है, जो ग्लेशियरों की सतह पर जम जाते हैं और इसकी वजह से ग्लेशियर जल्दी गलते हैं। वहीं दूसरी ओर चार धाम यात्रा पर आए हुए कोलकाता के यात्री भी बेहद आश्चर्य में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे प्रदेश में जहां जहां से भी वो घूम कर आ रहे हैं, वहां जंगल ही जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ में भी जबरदस्त गर्मी महसूस हो रही है, जो उन्होंने पहली बार देखी है। बस सिर्फ केदारनाथ धाम में ही थोड़ा ठंड महसूस हुई और हमको अच्छा भी लगा। अब लगता है कि कोलकाता और उत्तराखंड में कोई भी फर्क नहीं। बता दें कि आग का सबसे ज्यादा असर गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तराकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में है। इसके अलावा कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा में भी आग से जंगलों में भारी तबाही हुई है।